नमस्कार, मैं रमनीश वत्स आपका योग के कार्यक्रम में स्वागत करता हूं। अथ योगानुशासनम। योग की शुरुआत अनुशासन से होती है और हमारे जीवन में अनुशासन हो ही ना तो वह जीवन जीवन ही कैसा। दमा एक सांस की बीमारी है। जब हम सांस लेते हैं तो वह सांस ट्रेकिया के माध्यम से ब्रोंकाइल ट्यूब तक जाती है, अंदर ऑक्सीजन प्रवाहित करती है हमारे पूरे शरीर में रक्त के माध्यम से। रक्त जो है हमारा माध्यम है और उसको कौन माध्यम बना रहा है, वह है ऑक्सीजन, जो कि पूरे शरीर में रक्त का प्रवाह हमारा संचारण होता है। जब हम सांस लेते हैं तो हमें किसी भी तरह की एक अन्य तकलीफ होती है, चाहे वह खांसी के वजह से हो, चाहे वह थकान के वजह से हो, चाहे हमारी दौड़ भागती जो जिंदगी है उसके वजह से हो। हमें सांस लेने में जो तकलीफ होती है और जिसका नाम दिया गया है दमा। लगभग पूरे विश्व में 30 करोड़ ऐसे लोग हैं जो दमा से परेशान हैं, दमा से ग्रसित हैं। लगभग 2.5 लाख लोग प्रति वर्ष दमा के कारण जिनकी मृत्यु हो जाती है, यानी कि यह एक बहुत भयावह बीमारी है। आइए जानने का प्रयास करते हैं, दमा को जड़ से मिटाने का संकल्प लेते हैं, वह भी योग और आयुर्वेद के माध्यम से। नेचुरल जो तरीके हैं हमारे, प्राकृतिक जो उपाय हैं, उसको भी हम सामने लाएंगे योग के माध्यम से। योग और नेचुरल तरीके का जो उपाय है, दोनों का जो सम्मिश्रण है, बहुत ही अच्छा उपाय है। सबसे पहले जानने की कोशिश करते हैं दमा को कैसे खत्म किया जा सकता है। आजकल आप देख रहे होंगे वायु प्रदूषण, खास करके जो जाड़े का जो मौसम है, विंटर सीजन, उसमें दमा के जो रोगी हैं वो काफी ज्यादा परेशान होते हैं, क्योंकि सांस लेने में उन्हें तकलीफ होती है, बलगम जम जाता है और उन्हें सांस लेने में ज्यादा तकलीफ होती है। तो इस तकलीफ को सबसे पहले दूर भगाने का एक और उपाय है कि आप गर्म पानी का सेवन करें और योगाभ्यास में भुजंगासन, धनुरासन, उष्ट्रासन, इन तीनों का अभ्यास करेंगे। तो आइए सबसे पहले जानते हैं भुजंगासन। तरीका, दोनों हाथों को चेस्ट के भाग की तरफ ले आकर धीरे से लंबी गहरी सांस लेंगे और अपने धर को ऊपर की ओर, आसमान की ओर, सर के भाग को ऊपर आसमान की ओर ले जाएंगे। सांस लेते हुए, लंबी गहरी सांस लेते हुए कुछ इसी प्रकार बने रहेंगे और धीरे से वापस मकर आसन की ओर आरामदायक स्थिति में आएंगे। लंबी गहरी सांस छोड़ते हुए, लंबी गहरी सांस लेते हुए इसी प्रकार बने रहेंगे। यह तो हमारा भुजंगासन है, इसको आप 4 से 5 बार कर सकते हैं प्रतिदिन। इसमें आपने सबसे पहले जाना इसके तरीके, अब हम कुछ प्रिकॉशन की भी बात करेंगे, सावधानियां। यदि किसी को हाई ब्लड प्रेशर हो या हाल ही में किसी पेट में अल्सर या फोड़ा हुआ हो या कोई ऑपरेशन हुआ हो या हृदय घात से आप यदि परेशान हो, ग्रसित हो, तो यह अभ्यास को आप ना करें, अन्यथा इसके लाभ बहुत ही लाभकारी माना जाता है। क्योंकि आप जब इस आसन को करने जाते हैं तो जो चेस्ट का जो फैलाव है वह कहीं ना कहीं हमारे जो बलगम जो जमे हुए, जो आप फेफड़े के अंदर जो बलगम है उसको ये कम करता है, या कहें तो उसको इल्यूमिनेट करने का काम भी करता है। दमा जैसे रोगी जो हैं, दमा के जो रोगी हैं, उसके लिए भुजंग आसन एक काफी लाभकारी आसन माना जाता है। अब दूसरा है आसन जिसका नाम है धनुरासन। धनुष के समान जब हम इस आसन को करने जाते हैं तो हमारे शरीर की जो आकृति है धनुष के समान हो जाती है। तो सबसे पहले हम जानेंगे
इसके तरीके, फिर प्रिकॉशन, किस तरह की सावधानियों को अपनाया जाए इस आसन को करने के लिए, दोनों पैरों को सबसे पहले मोड़ते हुए, अब दोनों हाथों को पीछे ले जाते हुए दोनों टखने को पकड़ने का अभ्यास करें और धीरे से लंबी गहरी सांस लेते हुए दोनों पैर को ऊपर उठाएं। धीरे से वापस। इस अभ्यास को भी आप 4 से 5 बार कर सकते हैं। आपने फिजियोलॉजिकल इफेक्ट की बात जब मैं करता हूं तो आपने देखा कि इसमें अत्यधिक फैलाव हो रहा है हमारी छाती का, हमारी जो गर्दन है उसमें सीधी हो जाती है। तो गर्दन के साथ साथ, क्योंकि हमने आपको पहले ही बताया था जो हमारी सांस नली है, तो गले के माध्यम से फेफड़े तक जाती है जो हमारी सांस है, और पूरे शरीर में रक्त संचारण जो होता है वो ऑक्सीजन के माध्यम से, तो प्रचुर मात्रा में ऑक्सीजन का जो प्रवाह है हमारे अंदर हृदय में प्रवाहित होती रहे, उसके लिए धनुरासन एक काफी उपयोगी आसन माना जाता है। सावधानियों में सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा, यदि आप हृदय के रोगी हों, उच्च रक्तचाप से आप ग्रसित हों और सीवियर बैक पेन यदि आपको हो, यानी कि गंभीर बीमारी से जूझ रहे हों, यदि आप पीठ और कमर दर्द में बहुत ज्यादा तकलीफ है, तो इस आसन को आप ना करें। कि धनुरासन एक महत्वपूर्ण आसन और काफी लाभकारी आसन माना जाता है दमा जैसे रोगी को निदान दिलाने के लिए। नियमित रूप से आप इन दोनों योगाभ्यासों को आप करें, अंग संचालन और इन दोनों प्राणायामों को आप यदि करें, तो आप निश्चित रूप से आप अपने हाई ब्लड प्रेशर जैसी बीमारी से आप निजात पा सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद।